मुझे <laughs> ये um एक छोटा सा हमने पंगा लिया था पॉडकास्ट का और अब इट्स स्कॉड हो गई है स्कॉडन आउट ऑफ कंट्रोल इट इज इट इज स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सब कुछ हो जाएगा एंड अब हो गया है तो क्या करें बट यू नो लाइक अगर हम पाकिस्तान की स्पेस देखें पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की तो कौन-कौन लाइक माइंड में आते हैं फॉर एग्जांपल मुज़म्मिल सैयद मुज़म्मिल बहुत मुजम्ल्स काफ़ी बेग हो गए थे शहजाद गया साहब हु वी हैड ऑन द पॉडकास्ट एक तो वो कैटगरी है फिर एक और कैटगरी है जो ज़्यादा एक uh, मज़बी डिस्कशन uh, कर रही है फॉर एग्जांपल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिलदीम यूथ क्लब क्लब वाले ऑल द बॉयज कैसर अहमद राजा साहब ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की है बड़ी अच्छी इंजीनियर मिर्जा के के साथ, साथ, yeah. तो वो भी ऑन दी अप है कासमलीशा अप तक रिसेंटली एंड देन कोई उनका स्कैंडल सामने आया समथिंग कुछ छुआ था something. कुछ उन्होंने पीटीआई uh, के बारे में भी आशिली पीटीआई समथिंग आई होनसी आई डोंट केयर बिकॉज़ आई नेवर लाइक कासमलीशा तो अच्छा यू नेवर लाइक द मैन नो आई मीन आई डोंट नथिंग पर्सनली अगेंस्ट हिम बट लाइक आई � बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल टू मैनी कुक्स द्रॉफ

अपनी लाइफ के अंदर यूजली ये मटेरियल गोल्स को ही अचीव करने के लिए इफेक्टिव uh, होते हैं बट आई थिंक इसको एक uh, हमारी मार्केटने से आपने मेंशन किया था पॉडकास्ट के शुरू में uh, हमारी मार्केट ने इसको एक नया स्पिन दिया जो है इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर का वो एक एंड है स्पेक्ट्रम का और दूसरा एंड है पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो रिलीजियस पब्लिक इंटेलेक्चुअल है इसमें इंजीनियर वगैरह आते हैं और इस तरह uh, के जो पब्लिक अफेयर्स के ऊपर पॉलिटिक्स और uh, माशरत से रिलेटेड अपनी रिलीज सोट ऑफ उसके ऊपर डिस्कोर्स को और तबसरे को प्रेजेंट करते हैं बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में हर एज डायनेमिक में और हर आ, सोशल क्लास के अंदर भी आ, कुछ जो हैं वो जेंडर स्पेसिफिक स्पीकर्स हैं कुछ क्लास स्पेसिफिक स्पीकर्स हैं कुछ यू नो you know, कुछ एथनसटीज़ को ज़्यादा अपील करते हैं लेकिन कुछ हैं जो इन सबको ट्रांसेंड करते हैं यानी अगर बड़ा वैन डायग्राम बने तो उसके अंदर ये बड़े बड़े नाम जो आपने लिए है। हैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हो गए साहिल अधीम साहब हो गए और कैसर कैसर अहमद राजा हो गए स्मॉलर डेमोग्राफिक है उनका भी लेकिन आई थिंक ही विल बिकम क्वाइट बिग विद टाइम यूथ क्लब हो गए तो आ, ये ज़रा बड़े नाम हैं एंड ये ओवरलैप करते हैं डिफरेंट डेमोग्राफिक्स को बट जनरली इनके अपनी अपनी नीच है hmm. um, मुझे जो फैसिनेट करती है कि द राइज ऑफ दिस फिना ऑल टुगेदर कि ऑर्गेनिकली ज़ीरो प्रोडक्शन वैल्यू के साथ कोई ये फिल्म एंड टी फिल्म एंड टी वी के बैकग्राउंड के लोग नहीं होते जर्नलिज़म के बैकग्राउंड के लोग नहीं होते यू नो इंजीनियर साहब इंजीनियर हैं कैसे रहे हैं राजा आई एम नॉट अवेयर वो क्या करते हैं प्रोफेशनली यूथ क्लब वाले बॉयज़ आगे पीछे अपनी प्रॉपर प्राइवेट लाइफ हैं उनकी जॉब्स हैं Um, साहिल साहरदीम साहब एक कारोबार की और उसकी बिज़नेस की बैकग्राउंड के हैं और वो भी भी, भी बेखला कोई बिजनेस ही कंडक्ट करते हैं टू मेक हिज लाइवलीहुड ये उनका पैशन है रिलीजस मोटिवेशन है इसके लिए जो ये काम करते हैं स्पीकिंग का आई थिंक बहुत फैसिनेटिंग है कि एम या सेमी प्रो लोग हमारी ऑनलाइन स्पेस को डोमिनेट करते हैं क्योंकि अगर आप हम अगर ऐसे बात करें हम भी ऑनलाइन स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बट हु आर वी

एक्स वाई जी रेडियो एनी मोर टी वी एनी मोर बूइंग मेरी आवाज़ अच्छी है ना मेरी शक्ल अच्छी है ना सुनो सुनना बड़ी कन्वीनियंट है वट्स मोर रिलेवेंट आई थिंक ये लोग क्यों राइज इसकी हुई है सेमी प्रो लोग क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन वैल्यू जब बढ़ती है वीडियो की या किसी भी प्रोडक्शन की पाकिस्तान में तो उसकी पॉपुलैरिटी गिरती है आ, हमारे लोग को करते करते हैं हैं आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज़ मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरे ख्याल से जनरली ना लोग थोड़े तंग आ जाते हैं इन चीज़ों से लाइक यू नो जिस तरह फॉर एग्जांपल जब आप किसी कॉल सेंटर कॉल करते हो मिसाल के तौर पे और किसी कोई बड़ी चेन होती है yeah.

ठीक है उस चीज़ का एक ऑनेस्टली एक उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि आप बड़ा एक्सट्रीम लाइंड आपका एक्सपीरियंस होता है um, लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ा आपको तंग भी करती है चीज़ के अगला बंदा यार बस एक इंसान की तरह <laughs> आपसे बात क्यों नहीं कर सकता सकती yeah. uh, yeah. उसी तरह आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ है कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं बड़े जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो लोग इतने क्योंकि उनको एक टेंशन होती है कि यार हमने कोई गलत बात नहीं करनी इतने लोग देख रहे हैं वो लाइक रोबोट बनते जाते हैं इस तरह अनअप्रोचेबल अब, अब स्ले, कभी कभी जिस तरह आप न्यूज चैनल देखते हो तो आपको पता है कि यार वो झूठ बोल रहे हैं कभी कभार तो हाँ, वो, वो कर रहे हैं देख, आपको पता है कि आप एआरवाई खोलोगे तो वो हमेशा प्रो पीटीआई बात कर रहे होंगे और अगर आप लाइक जियो खोलोगे तो एंटी होगी या जी, या तो आपको पता है कि वो एक सॉर्ट sort ऑफ of एक मंजन बेच रहे हैं अपने अपने एज लाइक जब एक आम बंदा लाइक से के यू you नो know, कैसर अहमद राजा हो गया या साहल हो गया वो जब उठ के बात करना शुरू करता है इनिशियली एट लिस्ट उस पहले फेज के अंदर uh, एक सेंसेरिटी की एलिमेंट होती है उनकी बातों के अंदर क्योंकि आपको होता है कि यार ये बंदा कोई मंजिल नहीं बेच रहा ये एक आम आदमी है ये बस अपनी बात कर रहा है लाइक सैयद ले, ले शहजाद रियाज को ले लो हालांकि वो सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेमोग्राफिक रिप्रेजेंट करते जी, हैं, और के हैं। लेकिन उन सब की आई थिंक एक अपील ये है कि वो लोगों को लगता है कि एक ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ बात कर रहे हैं राइट right? जो बस बापनी, अपनी अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं अपनी बात सुना रहे हैं yeah, उसकी स्टेक्स इतनी ज्यादा नहीं है बट मुझे है। एक बड़ी फनी बात, याद थी, uh, yeah. बात की थी ना कि जो आपकी उनकी uh, लैंग्वेज होती है, एक होती है. Yeah. हमारे यहाँ दफ्तर में एक कॉलीग हैं मैकडोनल्ड uh, में होती थी uh, जो टर्मिनोलॉजीज और लैंग्वेज मैकडोनल्स इस्तेमाल करता है उसको मैक लैंग्वेज कहते हैं यार ये लगती है मुझे

बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू हो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग हो चीज़ की बहुत ज़्यादा क्यूरेटेड, फॉर एग्जांपल मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है मेरा कोई क्यूरेटेड पब्लिक इमेज नहीं है लाइक like, मेरे कपड़े आम होंगे यू नो कोई मेकअप नहीं किया हुआ हमने तो सिमिलरलीटाफॉरिकली एज वेल फिजिकली हमने मेकअप नहीं किया सॉरी इतने हम अनप्रोफेशनल इंजीनियर साहब एक जोक करते होते हैं कि मैंने गीला तौलिया लेके ना uh, जो मेकअप था ना मौलवियों के मुंह पे मैंने वो उतार दिया नो तो स्पेसिफिक uh, एंगल जो यहाँ पे बनता है ना कि फैसिनेटिंग क्यों लगता है मुझे वो ये कि रिलीजियस स्पीकर्स स्पेसिफिकली Uh, इसमें एक दफ़ा ना इरफान जिने जो नहीं है uh, जो या या। जो है जुने जुने। uh, बहुत अलग ब्लाग्ज होते हैं फिल्मोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं एक दफ़ा ना वो इंडिया के एक कॉमेडियन के uh, चैनल पे आए थे ऑनलाइन गेस्ट अ कोविड अरा एपिसोड थी तो वो uh, पैनल पे जूम पे सारे कर रहे थे तो वर रिव्यूइंग मीम्स तो पाकिस्तानी मीम्स को रिव्यू करते हुए ऑब्वियसली जो क्लासिक पाकिस्तानी मीम आता है वो मुझे अंडे वाला बर्गर चाहिए वो जो कराची सी व्यू पे कहीं जर्नलिस्ट को तंग नहीं कर रहे होते वो वो अपना कर रहा होता शो मुझे अंडे वाला बर्गर यार क्या चिचोर बने तमीज नहीं है आपको तमीज कमीज तो पहनी हुई है यही कमीज है तुम्हारा तो तो वो आया और फिर बैक टू बैक आई थिंक दूसरा वो वाला आया कि लाहौर की वो जो एक वो जो क्यूट से जर्नलिस्ट नहीं है जो जो पब्लिक जो कैमरा मैन एंकर के साथ घूमते हैं वो जो हर मेले ठेले पे समझ बारिश में जो आते हैं और वो जो जब भी कोई लाहौर में फन होता है वो उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा जो बहुत स्वीट से करते होते हैं एक 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 बंदा है ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंकर है जो पब्लिक एक्सेस टाइप टेलीविजन करते हैं और न्यूज़ चैनल्स के लिए और वह हमेशा बहुत कॉमेडिक और क्यूट से उनके होते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर नहाने निकल आए हैं बारिश में फिर वो भी डांस करना शुरू कर देगा और ये वो जो भी हो गया सो टैलेंट बिहाइंड द कैमरा एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो वन ऑफ द इंडियन व्लागर्स या यूट्यूबर्स कॉमेंटेड के यार ये पाकिस्तान में न्यूज़ एंकर इतने यू नो वायर दिसक सेलिब्रिटीज तो ने बड़ी फ़नी बात की और बड़े इंस्टेंटिवली की थी उसने यानी दिलबदी निकल गई उसके मुंह से वो कहता है कि यार वो टी वी और फिल्म इंडस्ट्री तो फिर डेढ़ सौ न्यूज़ चैनल खोले हुए तो आई थॉट देर वॉज़ ए वेरी वैलिड एलिमेंट टू के कि तौर पर जो एक फेज था एक मॉडर्न uh, नेशन स्टेट के अंदर से लेकर थाउजेंड्स में देखें तो उन्होंने मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा बट उन्होंने लाइनाइज किए उन्होंने हीरोज़ बनाए फिल्म स्टार्स को जिस तरह इंडिया में मुझे बचपन में बहुत अजीब लगती थी बात कि वहाँ पे अमिताभ बच्चन को लोग भगवान कहते हैं राइट आई मीन दैट रिलीज कॉन्सेप्टोज ऑर्ड के फिल्म स्टार यू आई मीन शाहरुख खान को बड़ा वो वर्शिप करते थे या जो भी सचिन तेंडुलकर को तो जो एक नॉर्मल कि कैलिफोर्निया ने आर्न शोजनगर को गवनर गवनर बना दिया अपनी स्टेट का

यानी आई डोंट थिंक इतने बड़े स्केल पर हमारी फिल्म और टी वी इंडस्ट्री थी hmm. कि जो एटीज सेवेंटीज एग्जिस्ट करती थी बट जिस तरह इंडिया या मेरी अमेरिका में यू you नो know, वो विन था वो नहीं है मॉडल uh, उस तरह हमारे यहाँ कोई या बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स को हमने इतना वर्शिप नहीं किया छोटे स्केल पर था आई थिंक हमने कभी क्योंकि इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझा नहीं विच लेफ्ट लॉट ऑफ रूम फॉर पब्लिक आई वॉल दम हीरोज बट पॉपुलर पब्लिक फिगर a lot of that space pakistan mein has always been occupied by religious figures hmm. and i don't think ye abhi ke liye true hai yani jo abhi aapne kaha na ke rise of islamic influences i think ye takriban aap ye colonial phenomenon hi hai post colonial phenomenon hai hmm. aap पोस्ट कलोनियल एरा में देखो जब आपका diaspora पूरा भी होता है पूरी दुनिया में एज पाकिस्तानीज या एज इंडियंस मुसलमानों का एंड सेकेंडली जब हम अंदर भी जब होश संभालते हैं फिफ्टी सिक्सटीज़ में तो थ्रू आउट आपके पब्लिक इंटलेक्चुअल्स और ऐसे इन्फ्लुन्सर पैदा हुए हैं जिस तरह साउथ अफ्रीका में गुजराती डिसेंट के अहमद दीदा साहब थे जो टीचर हैं डॉक्टर जकििर नायक के वो इज़ आल्सो गुजराती इंडियन uh, डॉक्टर सार अहमद मौलाना मदूदी के स्टूडेंट्स मौलाना मदूदी इज़ अ पब्लिक फिगर इन पॉलिटिक्स बट ए स्टूडेंट टू ऑफ इज फेमस स्टूडेंट्स जावेद अहमद गांधी और uh, डॉक्टर सार आर पब्लिक इंटलेक्चुअल्स ठीक है अब uh, सिमिलरली उनके एक और स्टूडेंट और कॉलीग uh, ख़ालद्ब्बासी साहब जो हैं शुभानलमसलि जमात में पब्लिक इंटलेक्चुअल हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो होते हैं तो यू सी दिस अस्सी सत्तर अस्सी साल पहले लेकिन मेरे नाना काफ़ी रिलीजस थे तो वो टेप्स मंगवा मंगवा के 90s में उलुमा की और ये स्पीकर्स की टेपें देखा करते थे घर में बैठ के सो आई डोंट थिंक नया फिना नंबर वन आई थिंक जस्ट डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द मीडियम जो इंटरनेट का मीडियम है ऑडियो विजुअल इंटरनेट का पहले तो देखा जैसा डॉक्टर साहब सारे अकेडमी पर सी डीज़ मिलती थी मॉडल टाउन में राइट बट लाइक वाई वुड यू गेट सी डी नाउ अब वो उस सारे उसको वो रिप करके मेरा ख्याल है उनके यूटूब चैनल पर अपलोड करते हैं और डिफरेंट मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपलोड करते हैं आई थिंक मीडियम चेंज हुआ है लेकिन ये फिनमना अब कोई सौ एक साल से चल रहा है एक अच्छी और फनी बात नाउ दैट यू मेरे में आई कि ये फिनमिन अगर हम पूरी दुनिया में अगर तलाश करना शुरू करें ऑफ रिलीजस स्कॉलर्स जो इस तरह की सुपरस्टार्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते होते हैं। ये ये ये। तो आई थिंक कि मुस्लिम वर्ल्ड में आपको ज्यादा मिसालें मिलेंगी नहीं अच्छा उस पर मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि एक तो आई थिंक ज्यादा जो इस तरह के क्रिश्चियन इंटेलैक्चुअल्स हैं क्रिश्चियन पब्लिक फिगर्स वो मेरे माइंड में लाइक ग्रफ्टर आते हैं इवेंजेलिकल टाइप जो को जिन्होंने फ्रॉड बेचा है जिन्होंने धंधा किया है बेसिकली हमारे नहीं करते ये नहीं करते they और don't, they don't अगर me. हम देखें तो वहाँ पे जो इस तरह के पॉपुलर लोग हैं भी बिकॉज अमेरिका ने वेस्टर्न वर्ल्ड ने सॉर्ट sort ऑफ of ये डिविजन मेक कर दी है ऑफ लाइक स्टेट एंड रिलीजन तो वो लाइक like अजीब जैसा जॉर्डन पीटरसन हो गया फॉर एग्जाम्पल अब जॉर्डन पीटरसन कभी खुल के नहीं कह सकता कि हाँ यार अल्लाह है

बाइबल की जो कहानी है ही ऑडियंस ऐसे हैं है है, तो और एक और जगह जहाँ नज़र आता है वो लाइक हिंदुजम की स्पेस है इंडिया की जहाँ पे यू सी लाइक इनके बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं लाइक आजकल कल वन है सदगुरु है <laughs>

हराम है, हलाल है <laughs> 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 नहीं बट <but laughs> वो अच्छा और वो भी नोट करके उनका जो स्परिचुअलिज्म है वो सम उसकी एक अपील इंटरनेशनल um, है लाइक वो जो रोगन के ऊपर आ रहा है और लाइक गोरों की हमेशा से एक फैसिनेशन रही है विद और ईस्टर्न रिलीजन नहीं बट ईस्टर्न रिलीजन भी स्पेसिफिक वाले जी, और चीज़ें। uh, right? uh, like राइट right, जो बहुत हाइपर

मैंने तुमने ये पहले भी वर्ड डिस्कस किया था प्राइवेट में अपनी अपनी द पॉडकास्ट आफ्टर द पॉडकास्ट जो है कि गोरे जब हमारे कलोनियल मास्टर थे तो उनकी अटैम्प्ट जो थी मुसलमानों के साथ टू सेक्युलराइज देर माइंड्स वो नहीं हो पाया वो कंपार्टमेंटलाइजेशन दुनिया के हर कौम में हो गई है आ, मतलब इंडिया में भी आप देखते हैं मुझे बड़ा दुख होता है अगर हिंदू रिलीजन आपको पसंद है आपका रिलीजन है तो आप अपने रिलीजन को एस्पाउज़ करें वो ग्रेटेस्ट गुड स्टेट को एक्सपाउज करते हैं एज़ mm -hmm. उनकी ये सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इंडिया के अंदर बन गई है रिलीजस हिंदूज़ की जो मुझे बड़ी अजीब लगती है मुझे उनको नहीं शायद पता कि ये फैशिज़म की शक्ल इख्तियार करके बड़ी बदसूरत चीज़ बनती है और आप अपने रिलीजन को क्यों स्टेट में मिक्स कर रहे हैं इस तरह से कि वो गंदा होए आप फुल फ्रंटल जाएँ उसका कानून और जो भी उसके कोई वो मैं स्ट्रक्चर पे बात नहीं करता ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम अब्राहमिक रिलीजन हमारा एक लीगल स्ट्रक्चर होता है और सोशल और पोलिटिकल और इकनॉमिक एलिमेंट भी होता है आ, तो हमारा माइंड नहीं सेकुलराइज़ हो पाया हमने ट्रेडिशन को अपने छोड़ा नहीं वो अहमद भाई भी जब आए थे एक तो पॉडकास्ट हमारी हुई थी तो इस्लाम ने एक इंसुलर अप्रोच ले के हमारे वाले ने उन्होंने अपनी पोलिटिकल अजाइम को वो जैकपोज कर लिया था अपने तबलीगी और दावती अजाइम के साथ जो कि इस्लाम कभी था नहीं इट्स नॉट अ प्रोसेटलाइजिंग रिलीजन अगर आप हमारी हिस्ट्री को देखें और कंपेयर करें ईसाइयों के साथ ये दावत तबलीग वाले काम हमने प्रोफेशनली नहीं किया हर बंदे का काम था सो so, इंडोनेशिया और जो इंडीज़ हैं ये जो आईलैंड सारे आइलैंड नेशनस हैं मलेशिया वगैरह यहाँ पर हमारे दाई ट्रेडर्स होते थे सो पीपल हु वेंट देयर गॉट मैरिड डिड बिजनेस देयर अरब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जाते थे, थे सी राउट्स पे दिस uh, सिंपली through their conduct and through social interaction and economic interaction they helped this whole area become muslim professionally established karke idare ye christian ethic hai tabligh ka aur proselytization ka aur wo unki ye colonial ek hatkanda tha jo unhone aap dekho 16 aur 1700s mein develop karna shuru kiya even uh, शायद 14, 1500 में भी उसके crusades के भी एक शक्ल नज़र आती है उसकी but truly ये power में आता है आपका विद द मॉडर्न इंडस्ट्राइजेशन एंड एजुकेशन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है लेकिन उनकी डिफीट के बाद जब गोरों से हमारी शिकस्त हुई और हमारी सेवनटी एटी परसेंट जो उम्मत है वो कॉलनाइज हो गई उस दौरान आप देखते हो कि हमारी दो चीज़ें उसके बाद होती हैं अगर दोनों चीज़ें आपको फनी लगेंगी बड़ी आपने पहले भी बड़ा हैं इन बातों से हमारी पॉपुलेशन बूम करती है hmm. और हमारी कन्वर्जन रेट बूम करती है hmm. जबकि दोनों चीज़ें से पहले स्लो थी ना इस्लाम बहुत रैपिडली कन्वर्ट करता था लोगों को कभी ना कभी किया हिस्ट्री में और ना इस्लाम मुसलमान बहुत हाईली रिप्रोडक्टिव थे बर्थ रेट्स के अतबार से एवरेज ही हमारे कन्वर्जन के अतबार से आप ये नहीं कहेंगे कि जो इनिशियल इस्लाम का पुश था पहले अब एरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जब पहले सौ साल हैं सहाबा के तबाइन कर तबा तबय की वो तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे इन दैट के हमें डायरेक्ट आलूज भी मिलती हैं कुरान और हदीस के अंदर और हमें इनडायरेक्ट भी मिलती हैं कहीं जो ये सौ साल हैं पचास सत्तर सौ साल हैं सहाबा रसूल का ज़माना साहबा का तावा तावा इन, तावा और तबा तबाइन का वो इस्लाम की सॉर्ट ऑफ कम्प्लीशन एज अ सिविलाइजेशन की वो आ, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं कि उसने स्प्रेड करना था उस इनिशियल बर्स्ट के बाद इस्लाम कोई रैपिडली कन्वर्ट तो नहीं करता लोगों को अभी भी मेजर पॉपुलेशन जो अरब कंट्रीज की हैं सो कॉल्ड वो क्रिस्चन हैं और अपटिल द फॉर्मेशन ऑफ इसराइल तो अफ्रीका और जो अरब मुस्लिम कंट्रीज़ थी उनके अंदर जूस रहते थे ज़्यादातर और ये ये, ये बात आपने पहले भी की कि अक्सर ये होता था कि जो इस्लामिक रूल है जिस एरिया में वहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी होते थे और स्फीयर ऑफ़ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता था हमारा यानी अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो वी वर नॉट अ मेजॉरिटी एवर नेवर बिन ए मेजॉटी साउथ एशियन में साउथ एशिया में सेंट्रलेशन कांक्रर्स हों या अरब कॉन्करर्स हैं तो ठीक है लोकल पॉपुलेशन भी हूँ इस्लाम में कन्वर्ट करती थी टैक्स रीजनस के पीछे लोग करते थे जिजिया से बचने के लिए ज़िकात देने के लिए ऑल दो दिस आर्ग्यूमेंट आई नेवर अंडरस्टूड बिकॉज ज़क़ात का रेट हायर हैज़िया बट शायद कोई एडवाटज होते हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव देती होगी गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना तो अट्रैक्शन देती होगी कुछ लोग जनवन रिलीज़स रीजन की वजह से ट्राइबल पॉलिटिक्स की वजह से बट दे आर नैवर अ मेजॉरिटी और इवन अ साइजेबल माइनॉरिटी देर बट उनका स्वीर ऑफ इफ्लुएंस पोलिटिकल बहुत बड़ा होता था तबलीग दावत इट सीम्स ऑलमोस्ट अवरी थिंग क्योंकि आप देखते हो कि पहली बार जब तो आपके बड़े बड़े मुबलग आते हैं वो एटीन हंड्रेड्स में गोरों की गुलामी में आते हैं जब यहाँ मैस कन्वर्जनस हो रही थी तो क्रिस्टी जब बड़े बड़े आपके वो आ रहे थे तो मुबल क्रिश्चियन मज़हब के फ्रॉम द स्टेट इंग्लैंड की तरफ से एंड जहाँ जहाँ कैथलिक्स वगैरह थे उनकी तरफ से और फ्रेंच की तरफ से अफ्रीका में सो फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ किताब है इजहारुल हक वो मुझे उनका नाम भूल गया uh, उन्होंने लिखी थी एज अ रिस्पॉन्स टू क्रिश्चन मिशनरी स्पेसिफिकली एक पादरी फेंडर था एक स्पेसिफिक फादर था जो बहुत पॉपुलर तबलीगी बन चुका हुआ था क्रिश्चियनिटी का और उसने बहुत ज़्यादा मा को डिफीट दी थी पब्लिक डिबेट्स के अंदर अब हक 50, 60, 70, 80, 100 इयर्स लेटर अप इन अहमद हैंड्स अहमद दीदा रीड्स दैट एंड गेट्स गैलवनाइज साउथ अफ्रीका में तबलीग शुरू करने के लिए अहमद दिदात को देख के गैलवनाइज होता है डॉक्टर जाकिर नायक एंड देन डॉक्टर जाकिर नायक कैनफेंस तो आपके सामने ही है लाइक ही इज़ द पायनियर जो इंटरनेट पे और टीवी पे आज की मॉडर्न अपोलोजेटिक्स इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं राइट right. तबलीग दावत का जो मजहबी स्पेस है पूरी दुनिया में चाहे अरब्स की हो चाहे इंडियंस की हो चाहे पाकिस्तान हो कोई भी जो एथेस्टी है मुसलमानों की hmm. उसको लीड नाइनटीज़ के बाद डॉक्टर जकर्र ने एक नहीं किया है तो ये दो सौ साल की ट्रेजेक्टरी देख रहे हो ना कि इजहार अल्लाह किताब लिखी जाती है अठारहवीं सदी में या उन्नीसवीं सदी में आई थिंक उन्नीसवीं सदी में लिखी गई थी बीसवीं सदी में अहमदीदार इंस्पायर होते हैं इक्कीसवीं सदी में जनाब जाकिर नायक साहब सीन पे पर तो देख डेढ़ दो सौ साल की टजेक्टरी है इससे पहले आपको नहीं मिलेगी आइसोलेटेड केसेस थे कि के जो सूफिया होते थे वो ट्रैवल करके महाज़ों पे बॉर्डर स्टेट्स में जाके एज स्पिरिचुअल फिगर्स जाके बैठा करते थे और कन्वर्ट करते थे लोगों को बट कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं था यह यानी दिस वाज नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट मेड बाय अ स्टेट दे हैड इंटरेक्शन विद द स्टेट एंड वाइस वर्सा बट जिस तरह के जेजुट प्रीस हैं क्रिश्चियन मिशनरीज हैं मिशन बनाया हुकूमत ने उसको फंड मिलता है उसको टैक्स ब्रेक मिलता है ये चीज़ें नहीं थी अच्छा लेकिन अब आयु uh, सिंह ये दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन बुरी चीज़ है एक अच्छी चीज़ है इट्स द सेम विद जब इस्लाम इंसुलर हो गया फॉर एग्जांपल एक्ज़ाम्पलमा हर चीज़ को हराम कह देते हैं और अभी भी हमारे लमा की इंस्टिंक्ट ये है ऑबियसली ये इंस्टिंक्ट टूट रही है वक्त के साथ बट वो इस्लाम की डिफेंस में उसकी ऑर्थोडॉक्सी को प्रोटेक्ट करने में उन्होंने हर चीज़ को हराम डिक्लेयर करना शुरू कर दिया टी वी आया हराम है हालाँकि बेचारे टी वी मस्किन में कुछ था ही नहीं जो उसमें हराम किया कहा जाए आ, हर चीज़ से डर रहे हैं ठीक है एक वक्त के लिए ये तो बहुत अफेक्टिव थी पहले पैलेस ऑडिट तो अगर ये हम ना करते तो जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हिंदू इंडिया के या कोई और अफ्रीका की कम्यूनिटीज़ हैं जो कॉलोनाइज हुई हम भी अपने ट्रेडिशन को छोड़ देते मारुमा अगर ये स्टेप्स ना लेते हैं सिमिलरली ये दावत तबलीग तबलीगी जमात क्यों अरइज़ करती है इट बिकॉज क्रिस्चन और हिंदुज़म में कन्वर्ट कर रहे थे जो मेवाती लोग थे राजपूत मेवाती जो मेव लोग होते हैं उनके एंड नाम में मेव आता है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तबलीगी जमात डेवलप की गई थी तो तब तो ये स्टेप्स फॉर्मली बड़े अच्छे लगते थे लेकिन आज की डेट में जब हमारे पास नेशन स्टेट्स हैं छत्तीस और फिर ये चीजें बड़ी डम लगती हैं तब वगैरह नहीं मुराद के इन दैट के ये मनटेन और रिडर्ट लगती हैं आप आपके बस स्टेट आ गई है और की, की, की और की, लोड है यू नो यू हैव द गवर्नमेंट आपके पास स्टेट बैंक आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं सो कॉल्ड तो हुआ ये है कि नेशन स्टेट में भी हम कॉलोनाइज ही रहे हैं यानी बट एक सेकेंड तबलीग करने का मकसद जो है वो एक तरीके से इंसानियत की खदमत करना नहीं, नहीं है गैर मुसलमों की बात नहीं कर रहा मैं दाऊत देखें आप आप एक बंदे को आप दाई बनाते हैं दस बच्चे ट्रेन करते हैं उनको आप यूरोप भेजते हैं और वो लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं हंड्रेड लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं टेन पर पर्सन कर लेते हैं सौ लोग को आप कन्वर्ट कर सकते हैं या आप लाख लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं इस्लाम में बाई इम्प्रेसिंग दैम विद योर इकनॉमिक सिस्टम अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कतर ने एक तगड़ा तक, कतर ने एक तगड़ा हालांकि कतर के कोई इकोनॉमिक सिस्टम इंप्रेसिव नहीं है वो सब तेल का पैसा है लेकिन कतर ने एक वर्ल्ड कप किया है पूरे यूरोप में लोगों की हिल गई है कि वो कितने अच्छे हैं मुसलमान hmm. औरतों ने कहा जी हम बड़ी सेफ थे वहाँ बियर नहीं थी लोग ड्रंक नहीं थे हमें मोलेस्ट नहीं किया किसी ने पुलिस बड़ी टफ थी लोगों के ऊपर वट इज़ मोर इम्प्रेसिव इज दैट यू स्टेप देखें इनिशियल स्प्रेड के अंदर भी या पोस्टेलिका के अंदर भी हम क्यों दुनिया में छा गए इज बिकॉज हम एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव दे रहे थे परिचन और रोमन एम्पायर को रोमन एम्पायर डेकेडेंट और डिके और हो डिके में चला गया हुआ था परिचन एम्पायर डिके कर चुका हुआ था हम बड़ा एक मोरलेस जुडिशस uh, और एक किस्म का बड़ा डिसप्लेंड um, uh, और क्या कहेंगे आप um, क्टेबल निजाम दे रहे हैं है है आम के लिए भी तो तो ऊपर ना सारी दुनिया तो आज अगर हब आजादी का अमेरिका मिसाल तौर क्या आप उनके मजहब में कन्वर्ट नहीं कर जाते आ, उनके मजहब उनके मजहब में और उनका मजहब लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म सो फॉर एग्जांपल अब एक 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 करैक्टर है इल्हान उमर वो इलेक्शन लड़ती हैं वहाँ पे वो सेनेटर या मेरे ख्याल नहीं है हाँ सैनटर हैं वो उसके बारे में क्या मुसलमान वाली बात रही है कि वो हिजाब पहनती है आपकी प्राइवेट सेकुलर वैल्यूज़ तक महदूद है ना अब इस्लाम के फिर तो आप में क्रिश्चन में भी तो कोई फ़र्क नहीं है सिमिलरली एक है विवे, विवेक रामा स्वामी hmm. वो इलेक्शन कैंडिडेट है अभी प्रेसिडेंसी uh, का व्हाट इज़ हिंदू अबाउट हिम वो मंदिर जाता है ज बिलीफ हज पोलिटिकल इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता को अमेरिका इज फर्स्ट अमेरिका प्रायोरिटी है उसकी तो डेट्स योर रिलीजन इस्लाम की ये पोजिशन है योर रिलीजन इज वट यू एसपाउस इज ये, ये प्राइवेट में मस्जिद मंदिर जाते हो जो मर्जी करो ये नमाज रोजा ये क्या चीज़ें हैं यारे एक सेकेंड अब लाइक यहाँ पे यू नो जो एक चीज अक्सर हमें बताई जाती है कि फाइव पिलर्स ऑफ फेथ बिल्कुल आपकी तोहद आपकी नमाज आपका रोज़ा हज जक़ात जक़ात ये तो एंट्री है यार ये तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ये तो किन्टर गार्डन है यार ये नहीं करोगे तो मुसलमान नहीं हो गए तो मुसलमान उन्होंने को कोई अल्लाह को को है ये तो इस्लाम एक लीगल स्टेटस है उस लीगल स्टेटस को अचीव करने के लिए तुम नमाज रोज़ा हज ज़क़ात करते हो ये कुछ भी नहीं है यार ये तो आपकी अपनी पर्सनल सेल्यशन के लिए है ना कि आपको आपके जो रूहानी फ्राइज़ हैं अल्लाह के जो आपके ऊपर हैं वो पूरे हों वट आर यू हेर टू डू एज एविलाईजेशन सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन इसके गोल देखो इस वक्त हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं या इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्सा है इस वक्त हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के वी आर अटेम्प्टिंग टू बी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज या अगर हम कोई फैशिस्ट की कोई मोनार्किकल डिक्टेटरशिप्स हैं तो वो भी वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ को एक्सपोज करते हैं और इसका ताल्लुक ये नाच गाने शराब वगैरह के साथ नहीं है मैं पोलिटिकल इकनॉमिक सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ क्या इस्लाम का निज़ाम बर्दाश्त कर सकता है कि लोगों की मर्ज़ी से हुक्मरान हुमरानतायन नहीं होता क्या ये अच्छी बात है यह जायज़ बात है शरी तौर तो पर लगता है क्या ये जायज़ है कि इस्लाम बर्दाश्त करे कि जो माशरे है वो सूद के निज़ाम पर चले नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है पढ़ो ना पाजेंस <laughs> तुम सौ पढ़ो तुम पाँच पढ़ते हो फर्ज नमाज़ है और तुम सौ नफल पढ़ते हो केयर्स दिस इज योर प्रॉब्लम ये आपका पर्सनल प्रोगेटिव है ये आपकी पर्सनल स्परिचुअल आई थिंक अनफॉर्चुनेटली दाइज और मुबलिगन की एक स्पेस थी सौ डेढ़ सौ साल पहले आज भी है और आज भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक लेकिन दे शुड नॉट बी द एंड ऑफ दॉट द एंड इट इज द बिगिनिंग यानी आप एक सेकुलर स्पेस के अंदर जब लोगों को अपनी लाइफ की कॉन्डक्ट और इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स जस्ट दैट नहीं अच्छा अब अगर अब एक मुसलमान का फिर अल्टीमेट गोल जो है दुनिया में हाँ. वो ये नहीं है कि उसने आखिरत की तैयारी करनी है जन्नत की तैयारी तो करनी आप है आपको क्या लगता है कि ये देखे ना आपके जहन के अंदर कितने से, सेपरेशन हो चुकी हुई है रिलीज प्रैक्टिस और स्टेट uh, क्राफ्ट के अंदर ये अलग चीज़ें तो नहीं हैं क्या मॉरल डिमांड्स नहीं है, uh, है हकूमत चलाना और मीशरत चलाना और एक माशरे की कामर्स को कंडक्ट करना ये कुछ सेकुलर डिमांड्स तो नहीं है चाह जाए कि ये मटीरियल चीज़ें हैं बट इस्लाम कंसर्न इज सेल्फ विद मटीरियल हम तो कोई दरवेश नहीं है जो कहते हैं कि यार खाना बंद कर दो या शादी करना बंद कर दो या धंधा करना बंद कर दो तो इस्लाम के असूल है इस्लाम का कॉन्ट्रैक्ट लॉ है अपना इस्लाम का अपना एक इंटरनेशनल पॉलिसी है इस्लाम की अपनी एक डोमेस्टिक पॉलिसी है इस्लाम का अपना क्राइम एंड पनिशमेंट का निज़ाम है तो सिविलाइजेशंस जिस तरह माई प्रॉब्लम इंडिया अब बहुत ज़्यादा आजकल चेस्ट हम्पिंग कर रहा है कि वो अमेरिका का यहाँ पे आ, वो बन रहा है सेटेलाइट बन रहा है चाइना की कंटेनमेंट के लिए तो उनमें बड़ा माल आ रहा है बड़ा बिजनेस दे रहा है अमेरिका उनको जी के लिए भी बड़ा अमेरिका ने उनको नवाजश दे दी है या वेस्टर्न पावर्स ने आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं आप हिंदुज़म को तो मतलब बात कोई नहीं करता सारे तकरीरों में कहते हैं कोई शरीयत है कोई निज़ाम है कोई कानून है कोई एथिक्स का निज़ाम है हैं तो आप सेकुलर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से आपके राइट right. मतलब मुराद ये <laughs> मतलब ठीक है मजहबी स्पीकर हैं हमारे बहुत अच्छी बातें करते हैं कुछ उनमें से हैं जिन्होंने ये डिमांड्स रखी हैं शुभ खालद महमूद वासी साहब हैं डॉक्टर साहब की बात करते थे आपको इंजीनियर साहब लफ्ज़ों में कहते हैं कि वो सेकुलर डेमोक्रेसी जाते हैं बट नॉट रियली इट्स क्वाइट क्लियर क्योंकि कैसे अहमद राजा ने को थोड़ा सा पुशबैक दिया कि सर सेकुलर डेमोक्रेसी तो गिरती है कि यार ये वाली सेकुलर डेमोक्रेसी नहीं इस्लाम वाली सेकुलर डेमोक्रेसी आई थिंक इट्स अ पोर चॉइस ऑफ वर्ड्स बिकॉज उनकी अंग्रेजी जबान के ऊपर उस तरह ग्रिप नहीं है बट और उनकी बात भी जायज़ है कि ही गेट्स टू डिफ़ाइन The words he is using because he's using them. So the way he describes the state is, he just thinks that they should all be Alehadies like him. <laughs> That's all it, it is. Engineer ka to koi effect nahi. Yeah, he doesn't have a firka, but you know what I mean. So he's a selfie type, let's say. Quran-e-Hadith ko follow karte. I mean, who does that sound like? <laughs> uh, my point is that everyone has an idea of the state. एट एट्स फाइन एज ए इंडिविजुअल्स बट जब तक हमारी स्पीकर वाली कैटेगरी पब्लिक इंटेलचुअल की कैटेगरी ये सिर्फ जा रही है तो ठीक है जब इससे हटने लग जाए ना और वो इस सोशल पिलपुल के ऊपर और ये पर्सनल वेल ग्रूमिंग और ग्रोथ और इस बुलशट के ऊपर आ जाए ये ये खतरे की घंटी है अच्छा ये खतरे की घंटी बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि हम कलोनियल पावर से नहीं आज़ाद हो यानी अगर हम अपनी स्टेट्स को देखें छत्तीस अड़तीस स्टेट्स जो हैं हमारी मुसलमानों की वो वेस्टर्न पावर्स ही डोमिनेट करती हैं उनको और उनकी पॉलिसीज़ को डोमेस्टिक हो या फॉरेन उनको मोर लेस डिक्टेट करती हैं चाहे वो फाइनेंशियल इदारे हों इंटरनेशनल आई एम एफ और, और वर्ल्ड बैंक जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे चाहे वो इंटरनेशनल बॉडीज़ हों यू एन जैसी नेटो वाई आर वी सब्जेक्ट टू यू एन वाई आर वी सब्जेक्ट टू आई एम एफ आई थिंक नहीं मैं ज्यादा बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ यू तो फिर यू के फिर कुछ मेरिट्स हैं बट वाई शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ़ इज इंटरनेशनल लॉ डिसाइडेड इंटरनेशनल लॉज इट इज मोस्टली वेस्टर्न पावर्स ने डिसाइड किया था जो इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है मुस्लिम इन इंडिया एंड पाकिस्तान मुझे अरब वर्ल्ड के बारे में मैं नहीं कह सकता ऑल दो सीम

दी इमेजरी आपके जहन में कौन ज्यादा है वो वेस्टर्न एनिमल राइट्स की होती है इस्लाम का अपना एक एनिमल राइट्स का निज़ाम है से लाइक फॉर सेविंग्स अकाउंट खोल लेते हैं जो बिल्कुल ब्रॉड ब्रश वाली चीज़ें हैं क्या डेथ पेनल्टी को सारे मुसलमान ओके okay करते हैं नहीं इस्लाम ओके okay करता है या हाथ काटने को लेट से मैं कहता हूँ हाथ काटा चलो फिर उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है शरीयत के अंदर ये तो क्लियर है ना कि कैपिटल उस पर लोग वो गुंजाइश ले आएंगे कि ऐसे हो गया तो वैसे हो गया कैपिटल पनिशमेंट तो है ना इस्लाम के अंदर मैं नहीं कहता जी आप सार उड़ाएं लोगों के ना आप फांसी आप जैसे मर्जी आपने मारना है मारना तो है ना वेस्टर्न वैल्यूज का प्रेशर इतना है कि अमेरिका को छोड़ना पड़ रहा है अमेरिका पुल बैक कर रहा है अपनी एग्जीक्यूशन पॉलिसी के ऊपर देखो आवाम का प्रेशर भी तो है ना मतलब आपके अवाम ऑर्गेनाइज करके एन जी ओज बना रही है जो एंटी पाकिस्तान में देर आर लॉयर्स एंड एन जी पनिशमेंट पनिशमेंट वो लॉबिंग करते हैं पाकिस्तान में रोटी नहीं है खाने को यार यू हैव टाइम टू लॉबी अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी जिनोन आई मीन पहले उन्होंने तो बचाओ जोड़े इकनॉमिक्स से मर रहे हैं खैर जिस डिबेट के द पब्लिक स्पीकर इंटलेक्चुअल इस्लाम वाई इस्लाम ये तो क्लियर है बिकॉज हमारे लिए वो दूसरी स्पेस तो आई नहीं एंटरटेनमेंट वाली तो लोग का शुक्र है लोग डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हुए अच्छी बात है ठीक हाँ है ऑन दी अदर हैंड वी हैव अग स्पेस फॉर इस्लाम यानी वी स्टिल वॉन्ट इस्लाम टू डोमिनेट द पोलिटिकल एंड द इकनॉमिक एंड द सोशल हमारे लोग सेकुलराइज उस नहीं हुए बट ट्रिकल ट्रिकल करके टिप टिप करके अफेक्ट आ रहा है आपका बच्चा नेटफ्लिक्स देख रहा है आपका बच्चा यूट्यूब पे ब्लॉगर्स को फॉलो करता है मिस्टर बीस्ट को फॉलो करता है वो आई सेंग ये चीज़ें बुरी हैं इन ऑफ्स आईंग एज ए कल्चरल फिनामना सिविलाइजेशनल अगर आप बैटल के तौर पर देखो तो अगर आपकी एजुकेशन बाहर से आ रही है तो नॉट बाई इट्स इंटरनल नेचर बाय बाई वर्चू अच्छी चीज़ें भी होती हैं उसके अंदर बाइटरेंसिक वर्चू बट क्योंकि आपके पास रेंज नहीं है इसकी आप कंट्रोल में नहीं, नहीं कोई आपके देखो इंसुलर नेचर थी माँ ने प्रोटेक्ट कर लिया बट उस इंसुलर नेचर ने क्योंकि फिल्म एंड टी वी और मीडिया को आराम कर दिया और एजुकेशन सिस्टम से पे सेकुलर लि, जो लिबरल वो आ, 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 आर्ट इसको कहते हैं जो लिबरल जो ह्यूमन साइंसिस हैं उसको नहीं डोमिनेट किया सेकुलर ने उसकोपाई कर लिया उस पेस को तो और आप अब नई आपके कार्टून आपकी नई फिल्में आपके नए अपने ड्रामे तो रो अब इसको अच्छा मगर अब यहाँ एक आर्गूमेंट ये भी दी जाती है कि आ, क्या जो वेस्टर्न लिबरल सिस्टम है उसकी सुपीरियरिटी का ये एविडेंस नहीं है कि उसने एक इतने लार्ज स्केल पे कल्चरली डोमिनेट कर दिया दुनिया को मैं तो मानता हूँ मुँह से मानता हूँ कि वो अल्लाह जो है वो किसी को दुनिया का निज़ाम एवं नहीं पकड़ा देता दे हैव डोमिनेटेड 300-400 साल के लिए उन्होंने जब तो सतारहवीं सदी तक सोलहवीं सदी तक हम कैसे नेक एंड नैक था मुकाबला कभी वो ऊपर कभी हम नीचे कभी हम ऊपर कभी वो नीचे बट uh, जो उनकी वो सोलहवीं सतारवीं सदी वाली मेहनत है उसका जो फल है वो आज तक खा रहे हैं वो और असल में है कलोनियल फडाई ये सिविलाइजेशनल जंग ही है uh, मुकाबला है ये हम भूल जाते हैं बिकॉज हमारी एक कलेक्टिव मेमोरी कमज़ोर है और कॉलोनाइज लोगों की अक्सर होती है गुलामों की अक्सर होती है कि वो भूल जाते हैं कि मालिक बड़ा ाल था उनको मीठी मीठी बातें याद आती हैं मालिक की जैसे ट्रेन का निज़ाम है और म्यूनिसपल सिस्टम और नहरी निज़ाम उन्हें वही याद आती है उन्हें ये नहीं याद आता कि वो चीज़ें बनी किस चीज़ के लिए थी वो नहरी निज़ाम बना था ताकि हमारी ज़मीन को मोनोकल्चर फसलें लगा के उसमें से जूस निकाला जाए कैश क्रॉप का और वो ट्रेन का निज़ाम इसलिए था ताकि वो जूस जो निकाला है वो पूरी दुनिया में फिर ले जा के एक्सपोर्ट करें तो भूल जाते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन कलोनियल मेमोरीज आर वेरी शॉर्ट टर्म मेमरीज मैं आपने देखा होगा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ uh, टी वी पर लाए वो हमारे ने अच्छा काम किया इंसुलर हो गए हमने बड़ा प्रोटेक्ट किया अपने ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स को अब मूव ऑन करने का वक्त है हम आज़ाद हो गए हैं आज़ादी मूवमेंट हो चुकी हुई है मुल्क बन चुका हुआ है हमारा नाउ वी कैन बी इंसुलर नो मोर पार्टली स्टेट की गलती और सोसाइटी की अभी भी और रिलीज तबका जो है वो एज ए थ्रेट व्यू करता है स्टेट को पर आपने पहले थीज़ के थीज़ के पावर से अभी तक हम भी, भी, भी कहा कि पार्टली स्टेट और सोसाइटी की गलती है कि अभी भी और मजहबी तबका कहता है अभी भी हम अंडर फायर ही हैं अभी भी इंसुलर मोड के अंदर ही हम बट मेजारिटी ये है कि बात की उनकी अपनी गलती भी है दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द केस वो बाहर ही नहीं निकल रही अब इस इंसुलर या कॉम्पलेक्सट फेज से आप इसकी खुद मिसाल ले लें साहलुद्दीम साहब और ताहिर शफी साहब ताहिर शफ़ी जो जामिया जामरफिया के पढ़े हुए एक आलम दीन है इंटरनेशनल पॉलिटिकिंग करवाते हैं पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया में हमारे बहुत बड़े वो एम्बेसडर हैं यानी एक बंदा इंटरनेशनल लेवल का आदमी है आलम दीन है पब्लिक इंटेलेक्चुअल है और वो टी वी की जो और जो मोर कन्वेंशनल स्पेसिस हैं उसको वो वकी्योपाई करते हैं साहिल साहलुद्दीम साहब एक पब्लिक स्पीकर हैं इस्लाम के थिंकर हैं और एक बिजनेस पर्सन है और मोटिवेशनल स्पीकर हैं मैं स्कॉलर नहीं कहूँगा बट बहुत डीप डीपल में और बहुत डीप इंटरेस्ट रखते हैं इस्लाम की थियोलॉजी का और नॉलेज और रखते हैं और वो नॉन कन्वेंशनल स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं हमारी स्टूडेंट यूनियन ये यूनिवर्सिटियों के अंदर कॉलेजों कैंपसों के अंदर ग्रुप्स जो होते हैं और इंटरनेट के ऊपर अब ये मीटिंग ऑफ द माइंड्स होती है ये टी शो पर इन दोनों को बुलाते हैं मुझे वो टॉक शो का नहीं पता मुझे जैसे से निकल रहा है वो कौन सा वाला था बट ये जो मुख्त हमारे मज़बी टॉक शोज हो जाते हैं रमज़ान के गिर्द इर्द गिर्द बड़ी रमज़ान में नहीं था बट उसी टाइप का फॉर्मेट था वो जो सेट बना होता है सारा वो मतलब अलादीन का जो सेट बना होता है और सारे हर चीज़ वहाँ करीब क्या वो मैजिक लैंप्स डाल देते हैं हर जगह इनकी इन्होंने एक कॉन्फ्रेंटेशन आपको पता है कि वो आजकल कॉन्फ्रेंटेशन मोड में भी होते हैं वो रेटिंग जनरेट करनी होती है बिकॉज़ ये लोग भी ऑनलाइन अपना मवाद डाल रहे होते हैं न्यूज़ चैनल्स उन्होंने उनका आमना सामना करवाया वीडियो उसमें कॉन्फ्रेंस में तो साहिल द्दीम साहब ने कहा कि यार देखें आपके पास साल में कितने जुमे के ख़ुत हैं और दो ईद के खुत में हैं। आपके पास हज़ारों बंदा नहीं टिकता यू नो आई एम एमपैरा फ्रेजिंगली दिस नॉट एग्जैक्टली बड़ी साइड बट मोर लेस जो वो बात कर रहे थे साहिल साहब बोज़ के बंदा आपके पास टिकता नहीं है जहन साजी आप उसकी कर नहीं पाते अपने साथ जोड़ नहीं पाते उसको और रिलीजस लाइन पर आप उसको लगा नहीं पाते अवाम बुरी है इल्ज़ाम आवाम पर आता है ना कि जी अवाम को पूछती नहीं आवाम इंटरेस्टेड नहीं है रिलीजन के अंदर ट्रेंड्स तो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं अवाम को तो इस्लामिक ही पब्लिक इंटलेक्चुअल पसंद आ रहे हैं इन स्पेस को क्यों नहीं आक्यूपाई कर रहे है? असल सवाल ये जो एक्चुअल लीगल ट्रेडिशन का नॉलेज रखते हैं लोग जो लोग फ़िक्र के मोहल्ले में आल में जो हरीस के आल में क़ुरान के वाई इज़ इट ऑर्डीनरी पीपल इंजीनियर भी ये बात कहता होता है कि इंजीनियर साहब कहते होते हैं कि डॉक्टर के ही के एक ऐसे डॉक्टर हैं डॉक्टर सार अहमद जो बाकी सारे डॉक्टर से अलग हैं कि वो उल्मा का काम कर रहे हैं आके राइट इंजीनियर साहब जो एक सरकारी डिफेंस डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं उल्मा का काम कर रहे हैं राइट वेदर नॉट हम इफेक्टिव हम ये नहीं कहते कि वो अफेक्टिवली कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं बट क्लियरली देर इज एन एपेटाइट आवाम के अंदर फॉर दिस कन्जम्पन सप्लाई का प्रॉब्लम है राइट मार्केट फेलियर है ना मां को एक्सेस आपके पास नहीं है डिमांड है ढेर और डिमांड है यूथ के अंदर उलमा तक रसाई हासिल नहीं है उलमा जो है वो दे आर नॉट एबल टू कैप्टिवेट द यूथ अपने खुदबात के साथ अपने प्रोग्राम्स के साथ अपने टी वी प्रजेंस के साथ और अपनी पब्लिक जो एक लाइफ है उसके साथ डू थिंक वो नहीं कैप्टिवेट कर पाते यही सवाल साहबीम पूछता है आज ही से पूछता है साहेल अदीम उनसे लाइक रियली एज हम्बल एज यू कैन बी विद समी वो तायरे शट पड़ते हैं एंड गुस्सा कर जाते हैं फट पड़ते हैं वही जवाब जवाब मिल गया आपको जवाब ये है कि आयवरी टावर्स में है इंसुलर किस्म के आयवरी टावर्स हैं बल्कि वो टावर काले हो चुके हुए हैं आयवरी ने उनको उनको जंग लग के वो झड़ गल चुके हैं आयवरी के होते तो चलो को प्यारे तो लगते हैं वो गल चुके हैं वो अंदर ही अंदर उसमें जब वो छुपे हुए हैं अपने उलमा उसी अंदर डिस्कशन है अंदर ही फतवे अंदर ही बातें यार आप पब्लिक को आके ये बातें बताएं पब्लिक को इल्म से आगाह करें उनको शरणा सही दें जहन साजी किसने करनी है वाम की नेशन बिल्डिंग किसने करनी है हमारे कौन हैं इंटेलेक्चुअल, वनवा होने चाहिए थे साइंस के इलूम ने इनको पता फिज़िकल जो मटीरियल साइंसेस हैं ह्यूमन साइंसेस के केूम ने इनको एंथ्रो हिस्ट्री फ़िलासफ़ी सोशोलॉजी क्योंकि ये लिबरल आर्ट्स हैं ये पता नहीं क्या गांधा है ये तो ये किस काम किए यानी हाउ कैन यू प्रोवाइड कॉमेंट्री और एनालिसिस ऑन मॉडर्न लिविंग इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट द मॉडर्न साइंसिस तो द आंसर आई फील द मोर डोटल सब्जेक्टिव आंसर बहुत तायरे का फट जाना लोग डरते हैं से लोग मालूम से डरते हैं लोग कहते हैं यार मौलवियों बची हो बचे हो भाई क्यों भाई गुस्सा हो जाएंगे नाराज़ हो जाएंगे कौन फतवा लेता है <laughs> like, मैं जुमे खुद में सोए नहीं होते यार सारे मैं मैं तो एक तो नैप दफा बड़ी एक फनी इमेजरी uh, दी थी तो इफ यू यू वांट टेल द स्टोरी तो जुमा पढ़ने गया था yeah, yeah, so like <laughs> सिटी जुमा पढ़ने गया और पे नई नई मस्जिद जो है उसका इफ्तिताह हुआ था बहुत बड़ी oh, शानदार उन्होंने मस्जिद बनाई थी और उसके मार्बल के फ्लोर थे वो ठंडे भी थे और लाइक बड़ी सुकून से मैं नमाज तो मैं खुदबे सुन रहा था और ख़ुतबे के अंदर जो मौलवी था जो इमाम था वो बात कर रहा था कि देखें आपको ना अपनी बीवियों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए बड़ी अच्छी बातें कह रहा था वो हमारे के लिए बड़ी प्रोग्रेसिव बातें हैं प्रोग्रेसिव बातें बाते है और उसने वो हदीस भी कोट की के तो से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे में रसूल ने बार बार फरमाया था राइट तो वो सारी बातचीत चल रही मैं सुन रहा अच्छा उतनी देर ना लेक सिटी के बिल्कुल पीछे एक गांव है जो करीब ही है और उसकी मस्जिद थी वो बिल्कुल एयर शॉट में थी <laughs> तो मुझे ना जरा ख़ामोशी हुई तो बैकग्राउंड में ना उसके खुतबे की आवाज़ है वहाँ पे जो खुतबा चल रहा था और उस खुतबे की ना मुझे बस ये समझ आ रही थी कि <laughs> और तुम लोगों को चाहिए कि जड़ से उखाड़ के सारी चीज़ को तुम ठीक <laughs> है वो बस चीख रहा है पंप मैं सुन रहा हूं मैंने कहा यार मैं गलत जगह पे पढ़ने हैं बहुत वहाँ पढ़ने चाहिए था <laughs> वहाँ सही एक्शन तो उधर हो रहा है तारिक के परिचालन बीच सतारे के सालों में देख रहे हैं uh, लेकिन या uh, yeah. तो या yeah, अब लाइक इस स्टोरी को बताने का मकसद क्या था एक्ज़ैक्टली नथिंग र In all honesty, I just thought it was a hilarious story that had to do with the uh, imams. <laughs> no, the imagery of the like, who was more captivating? Many debate karta, but jo moral lessons teach karne hai, uh, imam ne ulama ne, are they doing that? I don't think so. You know, like. private profit motive है अगर आप मस्जिद में private मस्जिद में हो अगर आप सरकारी मस्जिद में हो तो सरकार का डर है पार्टली आज़ाद नहीं हैं जब आज़ाद हैं भी तो उनके अपने फिर वाराना मफादत हैं या उनके प्राइवेट इंसेंटिवज़ हैं तो वी हैव टू एडमिट दैट एक तो क्लास डाकॉटमी है गरीबों की अपनी मस्जिदें अमीरों की अपनी मस्जिदें नॉट दैट के मस्जिदों के अंदर गरीब या अमीर मिक्स नहीं करते दिस इज़ नॉट ट्रू बट बटिंग के इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो मे बी uh, इस ट्रेंड में कोई चेंज हमें नज़र आता है लाइक लेट्स डेट कि अगर हम जो अरब ममालिक हैं उनके इंटेलेक्चुअल्स देख लें अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक और इशू है लैंग्वेज बैरियर का कि mm. उनकी कुछ यानी कि हम जिस तरह आपने मेरे साथ शेयर भी की हुई हैं उनके जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं बाय द वे बट वो सारे ट्रांसलेटेड नहीं होते नहीं हम सिर्फ वो देख सकते हैं जिनके बहुत कम जो होते हैं और फिर वो अंग्रेजी के अंदर हैं तो वो एक और एक और बैरियर आ गया बैरियर आ जाता है एंड एट द सेम टाइम जो पब्लिक स्पेस भी है जिस तरह फॉर एग्जांपल वो मोहम्मद हिजाब एक बहुत मशहूर यूके का जो एजिप्शन है यूके के पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं वो जॉर्डन पीटरसन के साथ भी उन्होंने डिबेट लेवल पे जाके वो बात कर रहे हैं हां जी बातचीत करते हैं उनका एक शागिर्द है उसका नाम मेरे जहन से निकल गया अली दावा तो इस टाइप के कैरेक्टर्स भी हैं डू यू थिंक कि वहां पे कुछ बेहतरी आपको नज़र यार देखो वहां पे तो मजबूरी है ना ऐसा इंडिया में डॉक्टर जाकिर नाइक का एग्जिस्ट करना बहुत इंडिया इज अ सेकुलर नेशन वहाँ पे निज़ाम का कोई सवाल ही नहीं बनता तो तबलीग दावत ये चीज़ें आपने करनी है पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर सार की क्या सेंस बनती है पाकिस्तान एक्सप्रेशन एक... का आलम तो देखो ना जो ने काम करना था वो डॉक्टर सार कर रहे हैं कि यार प्लीज़ इस्लामिक स्टेट बना दो प्लीज़ हमने इस्लामिक लॉ को इनफोर्स करना है और ये अगेन प्लीज़ कोई कामेंट में रिटार्ड किस्म की बातें ना करें कौन था इस्लाम जनरल जो लॉ का स्ट्रक्चर है, है उस पर हमारे सारे अग्रीड फोन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है क्रारदात मकासद उस पर सब ने सिग्नेचर किए हुए हैं मेजोरिटी जो हमारे फ़िरके और ग्रुप्स हैं उनके उनकेमान हैं तो आप कह रहे हैं कि जो कोर इश्यूज़ हैं शाम के वो उन पर इतना कंसंसिस है कि अभी शरीय कोर्ट ने यार फाइनली अपना फतवा अपना दे दिया है सूद के ऊपर तीस साल के चालीस साल की मेहनत के बाद जमात इस्लामी और तनजीम इस्लामी और एक दो और ग्रुप्स की इंडिविजुअल्स की मेहनत के बाद स्टे ऑर्डर आ गया उस पर क्या कर लेंगे क्या उखाड़ लोगे पहले जायालग साहब ने शरीत कोर्ट बनाया और उसके हाथ बांध दिए कि आपकी कोई लेजिस्लेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होगी और आप सिर्फ ये आ, फैमिली और ये प्राइवेट लॉ पे पर आप ये पार्लिमानी और मीशत के निजाम पर नहीं कर सकते तो करने के लिए क्या है शरीत कोर्ट प्यारी सी बिल्डिंग ही बनानी थी इस्लामाबाद में तो कोई म्यूजियम बना देते यार पॉइंट ये है कि जब तक जो लोगों के लिए नेटिव है जो उनका कानून जो उनको समझ आता है और जो उनका डिमांड है वो नहीं प्रोवाइड होगी आपके पब्लिक इंटेलेक्चुअल इसी लेवल तक बात करेंगे अभी साल या इंजीनियर अगली बात क्यों नहीं कर सकते या अगली स्टेज पर नहीं जा सकते या इनसे ज़्यादा बड़े बड़े उलमा क्यों नहीं सामने आ सकते वही वही प्रॉब्लम है एवरी वन हैज़ एलिमेंट ऑफ ब्लेम टू दिस बट ऑब हमारे यहाँ तो वो मिलिट्री और जो सिविल ब्योक्रेसी की है और पोलिटिकल क्लास है तो उनकी गलती है अच्छा वही मैं इनफेक्ट इसी पर आने लगा था कि जब आप चीज़ को फ्रेम इस तरह करते हैं ना कि उल्मा को चाहिए कि ये एक्स वाई जी करें एट दी एंड ऑफ द डेमा तो इंडिविजुल्स हैं ना नहीं बिग ग्रुप्स चलो बिग ग्रुप्स को करते भी हैं मगर मकसद ये है कि अगर हमें ये लैक नज़र आता है कि उलमा जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे मकसद ये है कि फिर सिस्टम में क्या ख़राबी है कि उलमा जो हैं वो नहीं फोर फ्रंट पर आ रहे यानी कि मिसाल के, के तौर पर हमारे मुल्क में इस्लामिक स्कॉलर कौन बनता हैी मुफ्त स्मानी जिन्होंने बैंकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉमेंट्री की हुई है उनकी कोई पब्लिक प्रेजेंस नहीं है नहीं है देख, कोई एक्सेसिबिलिटी है बट क्यों नहीं है नहीं पसंद करते वही नेचर है टीवी पे आना जरा अच्छा नहीं है बुज़ुर्ग अच्छा नहीं समझते इसको पब्लिक में फेस नहीं होना चाहिए बट ये भी फिर एक इशू है ना कि वो एक इंस्टीट्यूशन आपकी फिर ऐसी खड़ी हो गई है जिसकी एक दकिया न्यूसी सोच है हाँ धकिया न्यूसी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रियट वर्ड फॉर इट मैं वही कहा आपके कलोनियल प्रेशर की वजह से इंसुलर नेचर बनी है वलमा की जायज़ बिल्कुल जायज़ आप छुप गए आप अलग हो गए आपने अपने इलम को महफूज कर लिया उम्मत का हमने तहफ़ करना है आपने मुबलिगिन और 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 दाइयों से अपने काम लेके अपने you know, की को निकल हमें गोरे हमारे सिर पर तलवार लेके नहीं बैठे हुए राइट दी थी तलवार है बट बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं है थोड़े पीछे हो गए इधर कोई वो टीम या रॉबर्ट या कोई फलाना नहीं है मुसलमान ही बैठे हुए अच्छे बुरे लिबरल कंजर्वेटिव हर किस्म के हैं वो मॉरल इमोरल वाइस वाले वाइस के बग़ैर सब कुछ मिक्स है काम लेना आपने अभी मैंने आपकी सुनी थी जब वो लोग आए हुए थे आ, वो जो साफ पानी वाले बॉयज थे शरीफपुरा शरीफपुरा में साफ पानी तो सरकारी स्कीम थी जो डॉक्टर साहिबा थी और अमीम साहब डॉक्टर नशीन साहबा और उनको आपने एक बहुत की बात की थी आपने कहा था कि यार हमने सीखना है कि काम कैसे लेना है हमने सरकारी अपराइट से बिकॉज एट द एंड ऑफ़ द डे इट इज़ कम्प्राइज ऑफ इंडिविजुअल्स तो उनकी इंडिविजुअल हमने ग्रीड को ऐसे ड्राइव करना है कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी सीट की सिक्योरिटी हमारे विल्स पे हो हमारे विम्स पे हो तो जब तक अवाम यकजह हो के एक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कहेगी यार हमें ये ये इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स करें कि यार हमें क्रारदा मकासद की इंप्लीमेंटेशन चाहिए हमें सूद के ख़िलाफ़ निज़ाम तुमने ये जब तीस बैंक खोले हुए कमर्शियल बैंक मिसाल तौर पर अभी बोरिंग अभी इंटरेस्ट रेट है uh, हाँ क्या है पाकिस्तान में के सबसे बड़े दो बोरवर्स क्या हैं हमारे स्टेट हमारी स्टेट इट और इंडस्ट्रियल प्रोसेस यार की दोनों चीजें इस रेट पे कैसे बोरोल है आई एम एफ की इस पॉलिसी में कि वो तो चाहते हैं कि आप और गू में फंसते जाएं और आप मतलब जकड़े जाएँ सूद के अंदर अभी जब 20-25 परसेंट पच्चीस चौबीस परसेंट रेट ऑफ बोरोइंग है सब जर कहाँ जाएगा सारा सारा कैपिटल बैंकों में जाएगा सूद खाएंगे लोग 25 अगर दे रहे हैं तो 21 बाईस तेईस चौबीस तो दो अगर ले रहे हैं तो 21 बाईस तेईस तो दे रहे हैं ना सूद में यही उनके प्रोडक्ट्स हैं ना लोन्स वगैरह तो सब सूद खा रहे हैं बैठ के कैपिटल आपका सारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं चलेंगे एक्सपोर्ट नहीं होगी हम नहीं निकलेंगे इस डेट ट्रैप के अंदर से राइट स्टेट बैंक अपना डेट सर्विसिंग करता है अपने पी के आर में करनी बोरिंग सबसे ज्यादा हाई रेट पर वो कर रहा है स्टेट बैंक खुद खुद उल्लू के उल्लू के पट्ठे पुठे कोई नहीं है हरामी सारे बात यह है बात यह है हरामी है सारों को सब कुछ पता है सबको पता है कहाँ से सूद किधर से क्या कहां से क्या हराम कोई बंदा नहीं इसको नहीं मगर लोग अच्छा ये मगर फिर कोई सलूशन भी नहीं है ना कि यार वो बस हरामी है या वो नहीं मैंने कब क्या सलूशन मैं कह रहा हूँ हरामी है हरामियों से काम कराना सीखो अपना हुँ. प्रेशर प्रेशर ग्रुप बनाने पड़ेंगे भाई आप पब्लिक इंटलेक्चुअल देखो ना इंजीनियर साहब ने प्रेशर ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया बनाया बनाया, बनाया। उमा लाइन पर आ गए कि नहीं आ गए दे रहे आपको ख़ुद पर कोशिश कर रहा है आप कोई एक्सट्रा जुडिशल मैटर्स करवाए कितना बड़ा काम किया उन्होंने यार कितनी कर्बिंग हो गई है इस एक्सट्रीमिज़म की के लोग दूसरे फ़िरकों के लोगों को का कहते फिर उलमा उलुमा यकजह हो गए हैं कट्ठे हो गए टी वी पर आ रहे होते हैं ये किसने किया इंजीनियर साहब ने एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड किया उन्होंने एक इंटलेक्चुलाइज़ किया एक मूवमेंट को एक प्रॉब्लम थी उन्होंने उसको इंटलेक्चुलाइज़ किया उन्होंने कहा इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ से इसमें पिटफॉल्स आती हैं उन्होंने अपने आप को एज ए सेंट्रल करेक्टर डेवलप किया इसका उसकी पब्लिक प्रोसटलाइजेशन तबलीग की लोगों को बनाया आज उनके पीछे दो मिलियन फॉलोअर हैं जिनमें मैं कहूँगा लाख भी सीरियस हों हालांकि लाखों सीरियस हैं उनके पीछे लाख भी सीरियस हो लाख बंदा कम है बहुत ज़्यादा उनके पास स्ट्रीट पावर है जो वो शो नहीं करते प्रेशर ग्रुप है जिसका प्रेशर डालते नहीं हैं वो वो सिर्फ अपनी बात पर चाहते हैं ये क्या करती है अवाम में अवेयरनेस इतनी अवेयर अवाम मतलब होती है उसको भुतू नहीं लगा सकते फिर आप यार लोग मौजूद से पूछने लग गए यार ये रेफरेंस दो इस हदीस का इस कुरान की आयत का रेफरेंस दो वजह है कि हम सब मोहब्बत करते हैं इंजीनियर साहब से सौ फ़ब्बाखलाफ़ के बावजूद आप जिस बंदे को मिलो जो पढ़ा लिखा जवान आदमी है या पढ़ा लिखा भी ना हो बस एक मेयार पे उतरने वाला एक जवान हो खासतौर पर जवान हो वो कि तंग है जवान बुजुर्ग तंग नहीं है वो खुश थे इस निज़ाम में जो बहुएँ टार्चर होती थी अब वो सास हैं अब वो टार्चर करना चाहती हैं जो नई बहु है वो टार्चर नहीं होना चाहती फ़र्क ये बात समझ रहे हो वो टार्चर होके सा सांस बन चुकी हुई अब जो अंकल थे जिनकी एटीज़ में बैंक में जाब लगी थी और आज वो सीईओ के रिटायर वो तो खुश हैं। तो है। तो है। इस निजाम से तो, 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 तो बहुत खुश थे वो तो कह रहे है, हो अच्छा इमरान ने डॉलर महंगा तो 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 खुश थी उनको तो मिल के जब मिलना था उनको लाहौर ये बना नहीं याद उनको जिमखाने वाला लाहौल याद है जब यहाँ पे दो सड़कें थी टोटल तो कितना प्यारा मौसम होता था स्मोग कहाँ से आए तुमने लगाई है स्मोग तुमने ये फैक्ट्रियाँ लगाई है साहल दिन में इसको ज़्यादा डंके की चोट पर एड्रेस करते हैं जहाँ है इंजीनियर साहब फिर वारियत के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं साहिल साहब देखो कैसे नहीं अपील करेंगे यार ये यूथ को वो पागल है यूथ जो उनको सुन रही है यूथी क्या मसले हैं पेरेंटल प्रेशर सोशल प्रेशर टू परफॉर्म लड़के की नजर से सोच हैं आप यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करके पैसे कमाने हैं पेरेंट्स जो हैं वो सारी अपनी फाइनेंशियल और सोशल इन्वेस्टमेंट से लड़के के ऊपर करके बैठे हुए हैं कि शादी भी उन्होंने उसकी करनी वो कहते हैं ये मैन चिल्ड्रन जो हैं ट्वेंटीज़ में जो लड़के लड़कियां फिर रहे हैं तो यार ये लोगों को नहीं अपनी प्रॉब्लम्स का पता होता जो उनकी डॉक्टर पीटरसन ने आके क्या कहा जॉर्डन पीटरसन ने अपना कमरा साफ मेक योर बेड क्लीन योर रूम गंदे थे कमरे तो उनको अपील की ना चीज़ कि यार वाकई में यार अगर मैं कमरा साफ कर लूँ शायद मैं बेहतर ऑर्गेनाइज हो जाऊँ मेरा माइंड लेस क्लटर्ड होगा तो डिसिप्लिन आएगा तो जब साहिल रदीम ने आके एक बात की कि यार आप लोग मैन चिल्ड्रन हो आपके मबू क्यों आपका डिसीजन लेते हैं हमने इसको इस्लाम से एसोसिएट किया हुआ गुड मैनर्स के साथ कि माँ बाप की बात सुननी है बात कोई माँ बाप की फर्ज नहीं माँ बाप का एहतराम फर्ज है वाजिब है तो नहीं, है। है। तो नहीं।, तो नहीं। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की है ठीक है ना तो मशवरा है उनके साथ बहुत चीज़ों में मशवरा लेकिन ये तो नहीं सो दिस टू यंग अपील बिकॉज और वो सुन रहे हैं लाखों की तदादाद में बिकॉज somebody is finally talking to them hmm. number one pehle to wahi pe sab mar jate hain somebody is directly talking to them not talking at them mm. theek hai number one number two is actually addressing problems you on top of that india ka maashra pura jo hai na as a whole sharma sharmi wala maashra hai yani for example log kyun comment karte hain ye wala coming back to the original comment ke सबके पास माइक आ गए सब भी बातें कर रहे हैं देखो इनकी तुम्हारी शक्ल देखो अपनी बात करने से पहले वी आर बिलीव करती है इन वॉइसिंग और एयरिंग प्रॉब्लम्स वी आर सोसाइटी दैट बिलीव इन सप्रेसिंग प्रॉब्लम्स राइट देखो अलिमा अगर कुछ स्टूडेंट बात करेंगे उसको सनलाइट इंजीनियर ने उसको सनलाइट दे दी इंजीनियर hmm. साहब का मेन टैक्टिक क्या है इबारतें पढ़ के पढ़ाते हैं की किताबों की राइट right. उसको सनलाइट में डाल देते हैं अगर बैक्टीरिया होगा तो यू वी लाइट उसको उड़ा देगी बैक्टीरिया नहीं होगा तो वेल एंड गुड ले लो तो इंडिया एज अ नेशन एज अ पीपल वी आर नॉट वंस जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं हमें शेम और फेस सेविंग और ये बकवासियात हमारे अंदर कौन इस्लाम का ताल्लुक नहीं है कल्चर है कल्चर आपका ये मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी अजीब हमारी पोजिशन है एज अ सिविलाइजेशन के इंडिया के मुसलमान थे जिनको एटमी बम मिला और अब पूरी जो मुस्लिम उम्मा है जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर हमारे पे एक सॉर्ट ऑफ जिम्मेदारी आ जाती है या yeah. कि अब अच्छा अब हमने आगे किस तरह इसको लेके जाना है पूरी चीज़ को एक अजीब सी वो नहीं है कि लाइक कहाँ इस्लाम शुरू हुआ और कहाँ पे आके अब सबसे जो पावरफुल कह लो सबसे लिंग्विस्टिकली सेपरेटेड है।, है ना हमारे में अरबी है ना हमारे अंदर कल्चरल वो कॉमनलिटीज़ हैं लेकिन हमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने दी ए लफड़ो ए मुल्क भी ताड़ा रिलीजियस कंट्री सेकुलर नहीं है बाकी सारे मुस्लिम नेशन सेकुलर हैं या वो मनार्किज़ हैं हमें मुल्क भी दे दिया अपना टुकड़ा भी दे दिया रिसोर्स भी दे दिया उनका एलो बम उसका पटाखे पटाखे हमारे पास आ गए इट इट इज़ इज़ अ वेरी स्ट्रेंज अब अल्लाह की मशीरत है क्या है इसमें वो बेहतर जानता है बट uh, हमने मिस यूज किया इस को उस पोल पोजिशन को वट डिंक अब आगे जाते हुए इस्लामिक यूथ जो है हमारी I, हाँ जी उसका लाइक गोइंग फॉरवर्ड क्या तरीका है क्योंकि देखो एक साइड पे आप कहते हो कि उलमा जो हैं वो बहुत ही एक धक्के उसी निज़ाम में फंसे हुए हैं हम कहते हैं कि अच्छा अब अगर रिसाइकिल को ब्रेक करना है तो वो अगली जनरेशन ही कर सकती है तो उनके लिए क्या एवन्यूज़ आपको नज़र आते हैं या बिकॉज हमने ये भी देखना है कि जो करंट निज़ाम जिसके अंदर हम अब हैं वो नहीं रिवॉर्ड करता एकेडमिक एक्डेमिकसूट्स को उस तरीके से या ख़ास तौर पे रिलीजियस प्रसूट को तो वो बिल्कुल भी नहीं कर नहीं करता हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है सब ने सब कुछ नहीं करना यानी अगर इंजीनियर साहब एक काम कर का रहे हैं तो उन्होंने बाकी सौ काम सारे नहीं करना इट्स नॉट एज जॉब ठीक है आ, हमें एक एकोसस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पर लेग बोलिंग का कल्चर नहीं है नंबर वन यानी अगर जमात इस्लामिक इस्टेबलिश्ड ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा वर्किंग है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर तो जमात इस्लामी को ही रेफ़र करना है आपने फॉर सोशल एक्टिविज़म या अब आपने नई डेडीट डे डे की मस्जिद नहीं खड़ी करनी अगर तबलीगी जमात फार फ्लंग एरियाज़ में लोगों को जो जरूरीमेंट्री एलिमेंट्री ट्रेनिंग दे रही है रिलीज़स नर्सरी को कहेंगे तो तबलीगी जमात नहीं करना है तो आपने इन सारी स्टेजेस के अंदर से गुजरना है नंबर वन नंबर टू जो वो कराटे स्कूल्स का एटीज़ में ट्रेंड था ना कि ये वाला डोजो अच्छा है वो वाला डोजो गलत है ये छोड़नी पड़ेगी अगर आपके ट्रेनिंग स्कूल के अंदर जमील जो किकबॉक्सर आए थे एमएमए फाइटर जो हैं जमील मारखोर एमएमए uh, उनका हैशटैग है टूल क्या कहते हैं यूज़र नेम टूल यूज़र टूल टैग है उनका उन्होंने क्या कहा था इंस्टा हैंडल 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 मैं टूल सोच रहा था बट हैंडल क्योंकि टूल्स के भी हैंडल होते हैं डोजो अगर एक डोजो के अंदर अच्छा स्ट्राइकिंग है तो जो रेसलिंग वाला डोजो है उनके खिलाड़ी वहाँ के सीखें अगर एक डोजो के अंदर ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है या ग्राउंड गेम बहुत अच्छी है तो वहाँ जा सीखें तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन जो हैं अगर साहिल साहिलदीम बिजनेस मोटिवेशन दे रहे हैं यूथ को कि तुमने कारोबार कैसे करना है तुमने इंडिपेंडेंट कैसे होना है इस निज़ाम से तुमने अपने आप को बाई बोथ कंट्रोलिंग योर अर्जिज विद कंजम्पन एज वेल एज एक्सपेंडिंग और फाइनेंस दोनों काम कहते हैं मेट्रिक से ब्रेक फ्री कैसे, कैसे करना है तो साहिल के पास जाए क्या मसले लेकिन अगर वो फिर वारिद के बारे में सीखने जाते हैं इंजीनियर साहब उनको बताते हैं सीखिए उनसे आगे तो एक एको सिस्टम अगर पोलेमिक्स में और डिबेट्स में कैसे राजा साहब आगे आ रहे हैं प्रॉब्लम लेग पुलिंग नेम कॉलिंग जो है हमने कवर नहीं देना एक दूसरे को हमने गलत को गलत कहना है सही को सही कहना है हमने हक हाँ पे चलना है बट एक कंड एन्वायरमेंट तो क्रिएट करना है ना सारे लोगों के लिए hmm. हमें फिल्म एंड टी में आना है हमने पोलिटिकल साइंस इकोमिक्स में आना है हमने एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी में आना है हमने फिलासफी में आना है हमने ह्यूमन देखें लिबरल आर्ट्स नहीं है आपकी आपका आर्किटेक्चर में क्या एस्थेटिक है कहाँ गया हमारा मुगल इस्थेटिक hmm, बदसूरत तरीन बद सूरत अगली बिल्डिंग्स बनाते है। हैं क्योंकि आपके रिटार्ड

ठीक है दर इज़ ए रीज़न वाई लोग आज भी ताजमहल देखने आते हैं और मतलब बैरिया टाउन की मस्जिद देखने नहीं जाते ठीक hmm. है ना रेड ब्रिक की जो बना, यानी यार एक कोई एस्थेटिक होता है उसको जरूर करना है आपके और किसने करना है आप एक्सप्रेशन अलाउ करेंगे तो फिर चीज़ें आएंगी क्यों नहीं मुसलमान आर्ट करते कैलीग्राफी किसने किया कि सारी ये बिल्डिंग्स के ऊपर ये जो मोजेक्स बनाए हैं हमने और ये जो वीविंग कारपेट की होती थी ये क्या है आर्ट नहीं है चाचा है कि ताया तुम्हारा मामा है सूफी म्यूजिक सारा क्या है जी हराम है उल्टे लटक जाओ कुएं में कूद जाओ किसी कोई सिविलाइजेशन है जिसका म्यूजिक नहीं है जिसके आर्ट्स नहीं है जिसके प्लेज नहीं है जिसकी पोइट्री नहीं है जिसका प्रोज नहीं है कोई नहीं है यार तुम्हारा चौदह सौ साल की लेगेसी है तुम्हें पचास साल में पता लगेगा हराम है सारा कुछ आई थिंक ये भी एक मसला जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देख ही रहे हैं और उनकी तरक्की देख रहे हैं तो एक चीज़ जो उन्होंने अच्छी शायद की है वो ये है कि उन्होंने यार आपको पता नहीं है इस बात का बट वीडियो गेम्स और फिल्मों के अंदर जो ड्राइविंग जो राइटर्स आप कभी इंटरव्यू देखा करें डायरेक्टर्स के तो वो कहते हैं मैं निचे से मुतासर हूँ मैं इस फिलोसफर से वो मैं जी बेओ वल्फ का जो 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 एपिक है ना मैं उसको रिटेल करना चाह रहा था मॉडर्न सेटिंग के अंदर राइट right. उन्होंने फलसफे पे ध्यान दिया उन्होंने पे, वो क्या कहते हैं उसको लिबरल आर्ट्स सोशियोलॉजी वगैरह पे और इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया हम फिर भी अभी तक उसी चीज़ पे फोकस्ड हैं कि वो स्टेम फील्ड्स आप अपनी कर लो इंजीनियर बन रहे हो इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते राइट इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर आप जब तक लिबरल आर्ट्स के अंदर नहीं आएंगे आप दुनिया को डोमिनेट नहीं बॉलीवुड इंप्रेसिव है कहीं से

कोई भी इंडस्ट्री दुनिया में एग्जिस्ट करती खास तौर पर जो एंटरटेनमेंट की फ़िल्म की टीवी की लिबरल आर्ट्स की वो कॉम अपनी सिविलाइजेशनल एक्सप्रेशन की खातर करती है सॉफ्ट पावर की खातर करती है कि ये हमारी कौम की एथिक्स हैं ये हमारी अपनी कौम की जैन साजी के लिए करती है ठीक है ना पब्लिक जिस तरह पब्लिक स्कूल चलता है ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक में प्लेस हों फिल्में हों गाने हों उनके अपने तराने हों अपनी शायरी हो अपना आर्किटेक्चर हो अपने खाने पकवान हो

के उसके पास बहुत बड़ी मार्केट थी नहीं रिलीजियस माइथोस उनकी महाभारत mm. के प्लेज हैव टू बी एवरीवेयर उनके मेले होते हैं वो जब वो जलाते हैं उसको आई डोंट नो ऑल द थिंग्स दे दे डू बट आई आई हैव सीन देम नो व्हाट आर व्हिच व्हिच द द इज वन जब वो बड़े ज्यादा सारे शेर वाले एक डीमन को आग लगाते हैं यू नो आई मीन ज़्यादा शेर वाला एक डीमन होता है सो मेनी कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑफ दैट राइट

ये जो कल्चरल एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं ना हमारे हुकूमत वाले ये ब, ब, खुदा वास्तव पीछे हट जाओ किस की कल्चरल एक्सपेरिमेंट मतलब कि हमें कभी कुछ बना देते हैं हमें कभी कुछ बना देते हैं हमारी कौम को आप पठानों का, का, का अपने, अपने अपना एक्सप्रेशन है सिंधियों का अपना एक्सप्रेशन है पंजाबियों का अपना 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 होना तो कोई मसला नहीं है नहीं। यार अगर मैकडोनल्ड ने सिंध डे और पंजाब डे करना होता ना तो भर डूब मरो जब ड्राइव थ्रू में जाते हैं और वो मिनिमम स्टाफ को उन्होंने वाले कपड़े पहनाए होते हैं वाले नहीं होते हैं कपड़े पहने होते हैं असल में वो एक, एक वर्जन है ना एक बास्कटाइज वो बहुत रेडिक्लोस होता है बचपन में जब मैं स्कूल में था तो हमारा एक होता था पाकिस्तान कल्चरल अप्रिशिएशन डे जिसमें कुछ लोग बलोची कुछ बच्चे बलोची कपड़े पहनते थे कुछ पठानों के कपड़े पहनते थे और जिस बंदे ने पॉडकास्ट यहाँ तक देखी है उसके लिए रिवॉर्ड होगा कि यहाँ पे मैं तस्वीर लगा दूंगा ऑफ मी ऐसा पठान बचपन तो बट वैलिड पॉइंट अमान नहीं जो बात करता है दर इज़ माई डिमांड फ्रॉम इंटलेक्चुअल स्पेस हमारा आर्ट्स वाला कहाँ है बंदा वेर इज आर यू नो वेर इज दर्सन टॉक आर्किटेक्चर वेर इज द पर्सन हुज कुकिंग एंशंट क्वजीन यू नो लाइक पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो रीजन है मुस्लिम क्वजीन है इट हैज़ अ गुड थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड इयर हिस्ट्री जिसमें जलेबी आती है सम्बोसा आता है जलेबिया सम्बोसा बियान कुछ बिकम्स बिरयानी पिलाविट देर ऑल देयर इन हिस्ट्री बुक्स बाई द वे एंशियट रेसिपी वर्जन एनशियट कुछ सरकारी दंग वर्टिस्ट जो इस्लाम एंड इफ दे कम अप्रक आर्ट में गोली मार दूंगा उसको I will find you and kill you. यार अच्छा एक दो तीन दफा ट्रक आर्ट वाली बात कर चुका है पॉडकास्ट पे। तुझे अब समझाना पड़ेगा okay. सबको कि क्या होती है। ट्रक आर्ट ऑन ट्रक्स बहुत आला होती है। ट्रक हमारे बहुत आला होते हैं पूरी दुनिया में हमारा ट्रक नायाब है और हर जगह उसका एस्थेटिक चेप दिया। ब्राउन गर्ल एस्थेटिक और ट्रक आर्ट पर्टिकुलर एस्थेटिक और बहुत ही टैन कलर्स इस्तेमाल होते हैं और डार्क मेकअप होता है और वो ये और ट्रक आर्ट का एस्थेटिक यानी आउटसाइड ऑफ ट्रक्स इन रूम्स इन हाउसेस इन रेस्टोरेंट्स इन कमर्शियल आर्ट ये इतना ओवर डन है लगता है तो देखिए जब ओमोर की कुल्ही के ऐड के अंदर ट्रक आर्ट आती है न, देन यू यू नो नो सो फॉर मी इज वेरी अगली नाउ नॉट बिकॉज अजरक अजरक प्यारी होती है ऑन अ पर्सन बट अजय का जो एस्थेटिक हर जगह ओमोर के एड में वॉल्स के एड में आप कोई रेस्टोरेंट खोल देते हो वहाँ हर जगह ट्रक आर्ट हर जगह ट्रक आर्ट है हर जगह अजय के पैटर्न बने हुए द कमर्शियलाइजेशन ऑफ दीज थिंग्स मेक्स देम सो अग्ली बिकॉज द वे देर डन देर नॉट डन आर्टिस्टिकली देर डन बाय अ ग्राफिक डिजाइनर They're not done by an artist. They're done by some graphic designer. Yeah, graphic designer. Who artist? Hote hai, nahin hote, nahin hote. वो वो मैकेनिक होते हैं यार जितने फ्रीलांसर हैं जितने कंप्यूटर साइंटिस्ट वो, like, <laughs> वो सारे नाराज <laughs> हैं नहीं। से, तेरी हो designer, नहीं होता जो गाड़ी को डिजाइन करता है वो आर्टिस्ट होता है बात समझ रहे है बट वो मैकेनिक है ठीक है ना अ डॉक्टर मैकेनिक फॉर एग्जांपल दे आर नॉट बायोलॉजिस्ट ठीक है देर नॉट इवन कोई एक्सपर्ट फील्ड ऑफ मेडिसिन वो एक स्पेसिफिक नीच ऑफ मेडिसिन में काम करते हैं और उसके प्रैक्टिशनर होते हैं उसके वो थेरिस्ट नहीं होते वो थेरियाँ नहीं लगाते वो आप मिसाल तौर पर रेस्टोरेंट में जाते हो उसके वो प्रिंटर ने उसके ऊपर वो लेमिनेट लगाया होता है टेबलों के ऊपर अजरक के पैटर्न का टेक्स्चर फटे होते हैं उसके ठीक है ना और वो ग्राफिक डिज़ाइनर ने उसके वो बनाए होते हैं पैटर्न ना वो किसी रब में होते हैं ना वो किसी प्रिंसिपल्स पे होते हैं ना वो गोल्डन रेशियो के ऊपर बने होते हैं एक आर्ट के कुछ यू नो रूल्स हैं कहाँ हैं हमारे आर्टिस्ट एन से निकल के क्या शिट कर रहे हैं सारे सारा क्या क्या कर रहे हैं ना आई अंडरस्टैंड आपको पेटरनाइज कोई नहीं कर रहा यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आए आप एक नीच ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश करें असल में लाइक आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जो एनसीए वगैरह से लोग निकलते हैं इट सीम्स लाइक उनकी जो आर्ट होती है ना उस होता है जैसे गोरा यहाँ पे आके यहाँ के यहां की कल्चर से इंस्पायर होके वो चीज़ें उठा के प्रेजेंट करने की वही है ना जैसे कलोनियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम आप अपनी आर्ट नहीं पढ़ रहे अपना स्टाइल नहीं पढ़ रहे अब इसकी इंस्टेंटिव जवाब आप पता है क्या आएगा क्या करेंगे लोग वो वो वही इट्स लाइक ब्राउन पीपल डूइंग ब्राउन फेस वही चीज़ करेंगे ट्रक आर्ट और राउंड गर्लटिक नथनी बना देंगे सारे, सारे अपने मैंने एक दफ़ा गुलबर्ग में ना एक unfortunately मैं एक आर्ट एग्जिबिशन पे चला गया था और वहाँ पे मोस्ट आर्ट जो थी वो यही थी कच्चरा लेकिन वहाँ पे एक आर्टिस्ट थी जिसने आ, उसने ना ड्राॅइंग्स बनाई हुई थी पेंसिल से फिर उनको बाद में कलर किया हुआ था और वो थे लाइक पुराने जो गुलबर्ग में जो पुराने घर नहीं होते थे नहीं। बड़े सहन वाले बड़े सहन वाले और फिर उनका डिज़ाइन इस तरह होता है कि वो कमरे के अंदर बेडरूम के अंदर आपका पाइप ऊपर से आ रहा है और तारें आ रही हैं उसने औरतों को दिखाया हुआ था बट उसने उन सिचुएशंस के अंदर दिखाया हुआ था लाइक वो बड़े गुलबर्ग के घर और वो एक्चुअली एक बड़ी नायाब चीज़ लगी मुझे वो उसके पर्सनल एक्चुअल एक्सपीरियंस से आ रही थी चीज के अच्छा यार यू हाँ, नो you know, मैं बलोची आर्ट जो है उसको ना मैंने इनकॉर्पोरेट किया है और आप बना वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए रहे होते हो आपको असल में खुद क्राइसिस है ना ना आप चीज़ें नहीं करते शौक से know, failure, know, का मसला है मुझे मसला नहीं पता